हेलो फ्रेंड, एसएस वर्ड जोन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी अनबॉक्सिंग की। हमारे चैनल पर ये फर्स्ट अनबॉक्सिंग की वीडियो है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस मोबाइल की। तो आइए हम इसको देखते हैं। पहले तो हम इस ऑर्डर को ओपन करते हैं। ये देखिए, हमने इसको ओपन किया। इसकी डिस्प्ले जो है लगभग 7 इंच की है, यानी 6.8 HD डिस्प्ले है ये। 6000 mAh की बैटरी है इसमें। फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट, 8 MP सेल्फी कैमरा है, वो भी विथ फ्लैश के साथ। 13 MP रियर कैमरा है। XOS 6.2 एंड्रॉयड सिस्टम है 10। इसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है। मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जुलाई 2020 में बना हुआ था। मंथ एंड ईयर ऑफ इम्पोर्ट जुलाई 2020 है। इसका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो 10,000 है, लेकिन ये फ्लिपकार्ट पर ऑफर में 8,000 का मिलेगा। इसका जो कस्टमर केयर नंबर है ये भी दिया हुआ है इसमें, वेबसाइट दी हुई है। अब आगे देखते हैं हम इसको। इसका परफॉर्मेंस देखिए, मीडियाटेक हेल्प A25 1.8 GHz 12 nm ऑक्टाकोर है। 8X कॉर्टेक्स A53 है। कमाल का ये फ़ोन है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, इसमें सिक्योरिटी दी है, RE है, फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक है, फिंगरप्रिंट HS है, मल्टी फंक्शंस दिए हुए। ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, अभी पूरा पैक है इसमें। ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस। इसमें जो रैम दी है वो 3 GB, स्टोरेज है 32 GB की। ये देखिए, दोनों तरफ सील लगी हुई है। इसको हम ओपन करते हैं। ये हमारा फ़ोन ओपन हो गया है। कमाल का फ़ोन है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस। डिस्प्ले देखिए 6.82 HD प्लस IPS, 6 Hz, 90.5% STB है। नॉच प्रोटेक्शन है। इसका रेशियो जो है 20.5:9 और ब्राइटनेस भी बढ़िया है। मोबाइल के साथ इसमें और क्या क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। ये देखिए, इसमें दिया हुआ है USB केबल दी हुई है। इसकी जो लेंथ है वो 1.25 मीटर या 1 मीटर के समथिंग है। इसमें ये चार्जर भी दिया हुआ है। चार्जर जो है वो 10 वाट का है, तो थोड़ी स्लो चार्जिंग होगी लेकिन अच्छा है। और ये है हमारा सिम ट्रे इजेक्टर। ये सारे दिए हुए मैन्युअली वारंटी कार्ड दिए हुए हैं। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर एक बैक कवर भी दिया हुआ है। बैक कवर जो है हार्ड है। ये देखिए, इसका जो टेक्सचर डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। बैक कवर इसमें टेक्सचर डिज़ाइन में दिया हुआ है। ये हमारा टेम्पर्ड ग्लास दिया हुआ है इसमें, जिसका बजट 10,000 है उनके लिए ये बहुत बेहतरीन फ़ोन है। 8,000 में काफ़ी अच्छा है, और जिनके लिए डिस्प्ले मायने रखती है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। डिस्प्ले इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी है, 6.8 इंच की डिस्प्ले है। इसका जो बैक डिज़ाइन है वो भी बहुत अच्छा है, टेक्सचर में दिया हुआ है। फ़ोन को हम ओपन करते हैं। ओपन किया, ये देखिए हमारा फ़ोन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जो जो ऑप्शन पूछता जाए उसको सिलेक्ट करके और आप इसको आगे बढ़ते जाइए। ये देखिए, अभी नेटवर्क नहीं था, स्किप कर दिया। यहाँ टर्म्स ऑफ यूजेस दे रहा है, उस पर हमने टिक करके आगे किया। ये हमारा फ़ोन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ कॉपी एंड पेस्ट के लिए बोला हुआ था, तो अभी तो न्यू फ़ोन है तो उसमें स्किप कर दीजिए। यहाँ ईमेल आईडी मांग रहा है, ईमेल आईडी डालकर आप नेक्स्ट कर दीजिए या स्किप भी कर सकते हैं आप। ये देखिए, हमारा फ़ोन स्टार्ट होने वाला है। इसमें ये बोला है गूगल सर्विसेज का, इसको आप रीड कर लीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये फ़ोन स्टार्ट हो गया। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये स्टार्ट हो गया। इसमें बहुत सारे ऐप इंस्टॉल होकर आए हैं। कुछ और जानकारी देखते हैं। ये देखिए, हमारा साइड में जो है ये पावर बटन है। ये हमारा वॉल्यूम का डाउन है, ये अप बटन है। यहाँ ऊपर देखिए, ये हमारा कैमरा दिया हुआ है। कैमरे के बगल में फ्लैश लाइट दी हुई है। यहाँ देखिए, ये फ्लैश लाइट का है। और यहाँ पर ये ऊपर ही स्पीकर दिया हुआ है, और यहीं माइक का ऑप्शन है। और सबसे ऊपर यहाँ प्लेन एरिया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। अब यह देखिए, ये हमारी GEM कट टेक्सचर डिज़ाइन का दिया हुआ है। ये हमारा फिंगरप्रिंट है, और यहाँ पर कैमरे दिए हुए हैं। ये ट्रिपल कैमरे का है। और नीचे यहाँ देखिए, एक माइक्रोफोन का ऑप्शन है, एक माइक्रो USB पोर्ट है, और 3.5 mm जैक पोर्ट है। उसके बाद ये देखिए बैक डिज़ाइन में पॉलीकार्बोनेट ग्लॉसियन ग्रेडियंट GEM का टेक्सचर डिज़ाइन, और ये 207 ग्राम का है। 8.9 mm थिक है। ये कलर इसके 3 थे, ब्लैक, वायलेट एंड ओशन वेव। हमारा जो कलर है वो है ओशन वेव का। ये अमेजिंग फ़ोन है। इसका कैमरा देखिए, ये कैमरे की क्वालिटी कितनी बढ़िया है, और ये वीडियो क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसमें देखिए, ये वीडियो दिख रही है आपको। ये देखिए, इस फ़ोन की स्टोरेज
32 GB है और रैम इसकी 3 GB दी हुई है। अंडर 10 में ये काफ़ी बेहतरीन है। और इसमें ये देखिए, आप फ़ोन को साइड से स्लाइड करते हैं, इसमें ये छोटी सी विंडो ओपन होकर आती है। और ये राइट साइड से भी इसमें ये एक्स्ट्रा फीचर है कि राइट एंड लेफ्ट दोनों से ओपन होकर आती है छोटी विंडो। अभी इसमें देखिए काफ़ी सारे ऐप्स इंस्टॉल होकर आए हैं। ये देखिए फेसबुक भी है पहले से ही, टूल्स में भी कई सारे ऐप्स दिए हुए हैं, टेक्स्टवेज फैमिली में भी 2 ऐप दिए हुए हैं, सोशल में भी इसमें दिए हुए हैं। सोशल में देखिए इंस्टा एंड मैसेंजर, ये फोल्डर में भी 2 ऐप दिए हुए हैं। इसका जो बैक डिज़ाइन है वो काफ़ी बेहतरीन है। इसकी बैटरी 6000 mAh की है। इसके साथ जो चार्जर था वो 10 वाट का था। अब ये देखिए इसकी हम फिंगरप्रिंट को चेक करते हैं। ये देखिए फिंगरप्रिंट लगाई, तुरंत ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट भी अच्छी है, फेस अनलॉक भी अच्छा है। ये देखिए तुरंत ओपन हो गया। यहाँ है सिम ट्रे इजेक्टर। सिम ट्रे इजेक्टर में 2 मिनी सिम लगेंगी और 1 SD कार्ड के लिए है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।